वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा यार इंटरेस्टिंग होने लग गया यार। हमें इस वीडियो का हद से ज्यादा लोग बोल रहे थे इस पर रिएक्ट किया जाए, मतलब काफी ज्यादा मेल्स भी हमें आए हैं इसके। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है घमंड कर धार्मिक इंडिया। इंडिया के बारे में हा? ये कुछ फेस्टिवल है क्या है? मतलब घमंड कर धार्मिक इंडिया, मतलब धर्म, मतलब बहुत सारे रिलीजन जो है जिस तरह हाँ मतलब रिलीजन ही भाई इंडिया में, मतलब एक तो सबसे बड़ा रिलीजन हिंदू धर्म है, फिर जो वहीं पे आया इंडिया में ही आया, अच्छा सिखिज्म भी इंडिया में आया, जैनिज्म भी इंडिया में आया, जो बड़े बड़े मतलब हाँ। तो बिना किसी देरी के देखते हैं यार, हद से ज्यादा इसका बोला जा रहा था घमंड कर धार्मिक इंडिया। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बिना किसी देरी के देखते हैं, तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये भाई वो जो केरला में ये फेस्टिवल है कुछ बड़ा, तमिलनाडु कर्नाटका, ये लॉर्ड गणेशा का फेस्टिवल था, गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तेलंगाना, ओए हो, वो लोग देखो भाई, लोग यार भाई हर फेस्टिवल में बहुत लोग होते हैं। गोवा का देखो, अरुणाचल प्रदेश, रिलीजन के तरीके पे असम आया, इनका अपना फेस्टिवल है देखो, बिहार का, इसको क्या कहते हैं, बड़े मजे से ये इसका होती है। छत्तीसगढ़ आया भाई, गुजरात, ये वो था मक्खन होता है ना इसके अंदर, दांडिया भी खेलते हैं, ये फुल इंडिया के फेस्टिवल है। हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश भाई, बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में फेस्टिवल मनाए जाते हैं यार। झारखंड, ये केसरी झंडा है हाँ भाई, ये सॉरी ऑरेंज कलर का केसर नहीं, दूसरा रंग होता है ये। मणिपुर, वाह यार इंडिया बहुत डाइवर्स है यार, हर तरह का। मेघालय देखो भाई, वाह। मिजोरम, नागालैंड, पंजाब में विस्तार और बहुत चेहरे होते हैं। राजस्थान, ओ भाई लोग ही लोग हैं यार। सिक्किम में भाई लॉर्ड शिव की कितनी बड़ी वो थी यार मूर्ति। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में तो अलग लेवल के होते हैं भाई। उत्तराखंड बहुत होली प्लेस है इंडिया में हाँ भाई, जिस तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये बहुत। वेस्ट बंगाल, इधर तो पूजा होती है ना बहुत बड़े। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों है हाँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भाई, इसका लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बताई गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, धर्म ये क्या, वन वो प्रोटेक्ट धर्म इज प्रोटेक्टेड बाय धर्म, मतलब जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है वो खुद धर्म उसको प्रोटेक्ट करता है। लास्ट पे लाइन बहुत कमाल की भाई, और इससे बताया गया कि यार इंडिया में किस लेवल पे भाई ये फेस्टिवल यार। सबसे पहले लोग ही लोग थे यार, मैं वही बताने लगा हूँ। सबसे पहले जिस स्टेट से हो आप प्लीज कमेंट बताना, इस वीडियो को देखकर मजा आ गया यार। एक फेस्टिवल वो होता है जो पूरे
इंडिया में मनाया हाँ. जाता है. एक फेस्टिवल वो होता है जो एक स्टेट का हाँ. मतलब मुख्तलिफ बड़ा है फेस्टिवल है. बहुत ज्यादा फेस्टिवल हाँ. होता है जो मनाया जिस तरह छठ पूजा हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, मतलब ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे मतलब जो होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो मनाया जाता है वो मतलब मुख्तलिफ में होता है. तो ये शायद वो बार बार जो एक एक अलग अलग दिखा रहे हैं ना, जिस तरह होली दीपावली मतलब मेरे ख्याल से और ये सारे हिंदुइज्म के शायद बताए जा रहे थे इसमें जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे और बड़े बड़े जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं यार. बिल्कुल देखा जाए भाई लोग ही लोग बोला यार लोग ही लोग होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं यार, ज्यादा लोग जगह स्पेशली तेलंगाना आपने उन जगह पे देखा है, महाराष्ट्र में ऐसा लगता है समंदर लोगों का. अरे यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो हर फेस्टिवल जो भी मनाया जाता है ना वो और पूरी ज्यादातर मनाया जाता तुम्हें भाई. और आपको ये पता है जिस तरह मतलब अब इस्लाम सऊदी अरेबिया से फैला है, हाँ इस तरह मतलब जो ये हिंदुइज्म फैला ये कहाँ से फैला, ये इंडिया से फैला है. अब दुनिया जान में पाकिस्तान में भी कोई हो ना, मतलब अब हमारे पिछले दोनों मिनिस्टर थे उनकी मतलब कोई अपने की डेथ हुई है तो वो कहते हैं हम उनकी अर्थी बहाने इंडिया जा रहे हैं. तो मतलब इस तरह ये इंडिया का मतलब एक लेवल है जो मतलब सारे धार्मिक स्थान हिंदुइज्म के सारे वो इंडिया में है. बड़े लेवल पे लोग उतर जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं. देखो जो फेस्टिवल है पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं. देखो अगर अब हर कोई तो नहीं आ सकता ना इंडिया, और इसमें एक हिंदुइज्म के भी आपको फेस्टिवल मिले. अब नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के थोड़े फेस्टिवल अलग टाइप लग रहे थे, उनके मुझे थोड़े बुद्धिज्म वाले लग रहे थे, फिर सिखिज्म के हाँ भाई थे यार. इस बात से आइडिया लगा लो यार, 365 डेज होते हैं इंडिया हाँ. में, लेकिन और कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल होता है. और भाई देखो चार बड़े धर्म जो है वो मतलब कहते हैं इंडिया से आए हैं, कौन कौन से, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म. चार जो बड़े मतलब यहाँ से मतलब आए तो बहुत सारे हाँ. इसमें बहुत सारे और भी, लेकिन हाँ. बड़े ये वाले जो मतलब दुनिया में पूरा जानते हैं इन वाले को ना, आप इनकी मैं बात कर रहा हूँ. और यार इंडिया में वैसे भी डाइवर्स है इतना, इतने ज्यादा लोग मनाए जाते हैं, मतलब हर तरह के फेस्टिवल मनाते हैं. वाकई में गाइस आप लोगों ने हमें लास्ट में बताना है कि आपका इनमें से कौन सा मतलब स्टेट था. और भाई देखा जाए मतलब 28 स्टेट बताए गए और 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया की, वो सारा हमें बताया गया था इसी के अंदर. पहले स्टेट जिस तरीके से लोग जिस जिस जगह पे इकट्ठे हुए थे, ये तो कुछ भी नहीं था ये कुछ भी नहीं था. हमने काफी सारी इस तरह वीडियो देखे मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में कि यार मतलब जब महाराष्ट्र के इतनी ज्यादा रश होती है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के हमने हाँ. काफी मतलब इस तरह देखे हैं कि लोग ही लोग होते हैं भाई. ओडिशा का तुमने देखा था वो कितने ज्यादा लाख हाँ. लोग थे, जगन्नाथ टेम्पल के लिए. जगन्नाथ टेम्पल में कहते हैं लाख लोग दिन का खाना खाता है और खाना जितना मतलब बनाओ वो उतना उधर वो पूरा कम होता, नहीं होता है. वो कम मतलब कम बनाओ या ज्यादा बनाओ मतलब होता है उतना ही है. मतलब लोगों को मतलब सारे जब तक लोग भरना खा लें वो खाते हैं. गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दो, और अपने स्टेट के बारे में लाजमी बताना. इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना. तो यार भाई.